पति बीमार था, बचने की उम्मीद नहीं थी। महादेव से मन्नत मांगी कि दंड देते हुए सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम जाएंगे और अब सावन में दंड देते हुए बैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकली है। यह कहानी बिहार शरीफ के सुधा सिन्हा की है। सुधा सिन्हा पहली बार साष्टांग दंडवत होते हुए बैद्यनाथ धाम जा रही है और उनके साथ उनके पति भी है। 4 जुलाई को सुधा सिन्हा ने सुल्तानगंज में जल लिया था। 10 किलोमीटर दूरी अभी तक उन्होंने तय की है। वह कच्ची कांवरिया पथ पर है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दरअसल सुधा के पति नरेश सिन्हा को हेपेटाइटिस बी हो गया था। लगातार वह बीमार रह रहे थे। डॉक्टर ने उनके बचने की उम्मीद नहीं जताई थी। इसके बाद सुधा ने भोलेनाथ से मन्नत मांगी कि उनके पति अगर स्वस्थ होते हैं तो वह दंड देते हुए बैद्यनाथ धाम जाएंगे। इसके बाद इस वर्ष सावन में सुधा सिंह यात्रा पर निकली है। सुधा के पति नरेश अपनी पत्नी को मिसाल मानते हैं। नरेश कहते हैं कि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन महादेव से उनकी पत्नी ने कामना की थी तो महादेव ने उनका सुना और कामना पूरी कर दी। आपको बता दें कि सावन के महीने में खासकर महादेव को रिझाने के लिए 3 तरह के कांवरिया श्रद्धालु सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम जाते हैं। एक सामान्य बम होते हैं, एक डाक बम तो एक डंडी बम होते हैं। सबसे कष्टप्रद यात्रा डंडी बम की होती है। यह डंडी बम 1.5 से 2 महीने में बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। कहां से आए हैं? बिहार शरीफ, नालंदा जिला। बिहार शरीफ से क्या मनोकामना थी, क्या कुछ जो माँ बाबा से मांगे थे मनोकामना पूरा हुआ? तो दंड देते हुए जा रहे हैं, पहली बार है जी। तो कष्ट भी हो रहा है? अब तो वही ना खींचेंगे, कष्ट भी तो वही खींचेंगे। हम तो बोले ना कि कष्ट हम मांग के आए तब ना, अब तो वही खींचे। जमीन पर क्या कामना थी पूरी हुई है? ये इनको, मेरे हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी हो गया था। इनको दिल्ली में इलाज में एम्स में भी बोल रहा था कि अब इसका कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है। हम लोग बोला कि क्या आदेश था, हम लोग खूब काने रोए पटके। अचानक हम गश दिए कि भोला बाबा दीजिए, हम पति को बचा दीजिए, हम दंडवत देंगे। तो इतना कष्ट परेशानी हो रही है? धीरे धीरे घट जाएगा, भोला इतना विश्वास दिए हैं, वही देते हैं वही। कब निकले थे सुल्तानगंज से? 4-5 तारीख को जी निकले, 9-10 बजे। तो 4-5 दिन हो गया यहाँ तक पहुँचते। क्या नाम हुआ? सुधा सिन्हा। क्या कुछ हुआ था आपको और पत्नी, क्या कामना की थी, पूरा हो पाया? हेपेटाइटिस बी हो गया था, बचने की चांस नहीं थी। बिहार शरीफ में दिखाए थे, डॉक्टर जी ने वो जवाब दे दिए। मैं कोमा में चला गया था, पटना गया कुर्जी हॉस्पिटल में, वहाँ 1.5-2 महीना रहा, वहाँ भी कोमा में और चला गया। मैं खाता पीता कुछ नहीं था, एकदम सोए हुए रास्ता था, चलने का तो कोई बात ही नहीं थी। पूरा कोमा में थे, कुछ समझ नहीं, हम सोए हुए रहते थे। मेरे वाइफ को वहाँ जवाब दिया कि दिल्ली ले जाइए, फिर किसी तरह उड़क थी मेरे को दिल्ली ले गए। दिल्ली में वहाँ एम्स में गए, एम्स में इलाज चलते रहा, कुछ पता नहीं चला, रोते रहते थे। डॉक्टर बोला कि बेटी हम कह नहीं सकते जब तक कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ये गच्छे बोलते हैं उसके बाद 10 दिन के बाद से हमको हालत एक आधा पैसा की सुधार हो। तब डॉक्टर बोला कि बेटी तुम्हारा पति आ जाएगा, बच जाएगा। सुधार हो गया हालत में? हाँ, हो गया। तो वही अब में हमें बोले कि हम गच्छे थे, हमको बहुत अच्छी बात है, अपने बाबा का गच्छे अब ठीक है पूरी तरह से। हाँ, अभी ठीक है, हम चल रहे हैं, कमजोरी है। डॉक्टर बोला था कि आते रहना, जाते रहते। पत्नी वही कामना की थी? हाँ जी हाँ। अच्छा, क्या कहिएगा उनके लिए जिसकी पत्नी पति को छोड़ देते हैं या पति पत्नी को छोड़ देते हैं, उन्हें क्या कुछ कहेंगे? नहीं, क्या कहें, वो तो उनकी मर्जी है, छोड़ देते हैं, उनकी कर्म है। आपकी पत्नी उनके लिए मिसाल है? पत्नी देवी की समान है और मिसाल है। ऐसा भाग्यशाली मनुष्य को ही मिलता है जो पत्नी अपने पति के लिए अपना सर्वस्व निसावर कर दिया है। बहुत कष्टदायक होता है, कष्ट किए हैं और कर भी रहे हैं। कहाँ शादी हुई है आपकी? मेरी शादी सैदी ग्राम में हुआ है, बारसली में, नवादा के नवादा में। और घर कहाँ है आपका? मेरा घर बिहार शरीफ, नालंदा जिला।
रामचंद्र। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश प्रसाद सिन्हा। अब भी वहीं जा रहे हैं साथ में? जी हाँ, उनके साथ साथ जा रहा हूँ। कब तक पहुँच पाएंगे? अभी तो बाबा का कृपा है, बाबा जब तक ले जाए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कम्प्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।